हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS की प्रॉपर्टी जेड इंडेक्स के बारे में सीखने वाले हैं। जेड इंडेक्स जो एक प्रॉपर्टी है, ये दूसरी एक CSS की प्रॉपर्टी जिसका नाम है पोजीशन, उस पर डिपेंड करती है। अगर आप वो पोजीशन यूज नहीं कर रहे हैं तो आप जेड इंडेक्स भी यूज नहीं कर सकते। आइए पहले इसे समझते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। आपको पता होगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, जो आपका ये वर्टिकली है ये आपका वाई एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टली ये एक्स एक्सिस है। तो उसमें जेड इंडेक्स क्या होता है, इसमें जेड एक्सिस भी होता है। जैसे स्टैक ऑर्डर होता है, जैसे आपने एक लाइन में बुक्स रखी है तो वो है जेड इंडेक्स। आइए इसको यहाँ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे तीन डिव हैं। सबसे पहले आया था ए, फिर बी, फिर सी। अगर बी बाद में आया था तो ऑटोमेटिकली ए के ऊपर ही आएगा। इसको तीनों को हमने पोजीशन से सेट किया हुआ है मान लीजिए। अब तो यहाँ पर अगर मेरे को बी को सबसे ऊपर लाना है ऐसे, या ए को सबसे ऊपर लाना है कुछ इस तरीके से, तो इसके लिए हमारी जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसका नाम है जेड इंडेक्स। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है zindex.html नाम से, और यहाँ पर आपको दिख रहा है हमने तीन डिव प्लेस किए हैं और तीनों पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई हुई है, और लेफ्ट और टॉप देके तीनों की डिफरेंट पोजीशन सेट्स कर रखी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे नोट पर प्लस प्लस में हमने एडिटर यूज किया, जो यहाँ पर हमारे पास तीन डिव है, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, तीनों पर आईडी लगा हुआ है। तीनों जो डिव हैं उन तीनों पर बॉक्स पोजीशन जो है एब्सोल्यूट लगी हुई है, और तीनों की टॉप और लेफ्ट पोजीशन अलग अलग है। सब में 50 प्लस का इंक्रीमेंट है। यहाँ देखिए 100 है, तो यहाँ 150 है और यहाँ पे 200 है। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपको बी को ऊपर लाना है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जेड इंडेक्स, और जैसे मैंने दिया वन। वन का मतलब है बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होती है ऑटो जेड इंडेक्स। अगर हम इसे वन दूंगा तो मान लीजिए ये अभी सबसे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो है। ऑटो मतलब जीरो के करीब है। और जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये देखिए ये सबसे ऊपर आ गया। अगर मैं यहाँ से जेड इंडेक्स हटा के इसको नहीं, सबसे पहले वाले ए को देता हूँ, जो बॉक्स वन है जिसमें ए लिखा हुआ है, देखिए मैंने उसको जेड इंडेक्स दिया है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये सबसे ऊपर आ गया। जैसे आप जेड इंडेक्स दे रहे हैं, आप इसे माइनस में भी दे सकते हैं। जैसे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माइनस में भी चलता है और प्लस में भी, वैसे ही मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी पहले मैंने वन किया इसे बॉक्स टू को, तो ये सबसे ऊपर है। अगर मैं इसे माइनस वन दूंगा तो क्या होगा, ये सबसे पीछे चला जाएगा। ये देखिए ए और सी से भी पीछे माइनस में चला गया। यहाँ पर यह है जेड इंडेक्स। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स और बना लेता हूँ। मैं यहाँ गया, इसको डुप्लीकेट कर लिया, इसका नाम मैंने रख दिया बॉक्स फोर, और यहाँ लिख दिया डी, और यहाँ पर मैं इसकी एक सीसेस और ले लेता हूँ, और यहाँ पर लिख दिया 250, और यहाँ पर लिख दिया 250, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कोई एक कलर दे दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया ऑरेंज। अभी मैं इसको पहले चेक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो, अच्छा ये आईडी भी सेम ही है, तो मेरे को इसको फोर करना है। ये देखिए यहाँ पर फोर आ गया। अभी मैं ये सारे जेड इंडेक्स हटा देता हूँ, ये देखिए एक स्टैक ऑर्डर में आ रहे हैं, ए फिर बी फिर सी फिर डी। ये हमारा जेड इंडेक्स है एक तरीके का, और जेड एक्सिस कह सकते हैं इसे। अब मान लीजिए मेरे को, मैंने ए को जेड इंडेक्स दिया वन, और जेड इंडेक्स वन यहाँ दिया, तो अभी ये सबसे ऊपर आ जाएगा। ये आ गया सबसे ऊपर, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से 200 दे देता हूँ। ये दिख रहा है आपको सबसे ऊपर आ चुका है। अब मैं जो बी है उसको ए के ऊपर लाना चाहता हूँ, तो मैं उसमें जेड इंडेक्स 2 दे दूँगा, एक उससे ज़्यादा। जी देखिए मैंने 2 दिया, ये देखिए 2 हो गया। अब मैं उससे ऊपर सी को लाना चाहता हूँ, तो जेड इंडेक्स 3 दे दूँगा, और यहाँ पे मैंने दिया 3, और यहाँ देखिए ये 3 ऊपर आ गया। और यहाँ पर मैंने अगर दिया जेड इंडेक्स 4, तो ये सबसे ऊपर आ गया आपका डी। तो आप ऐसे भी ऑर्डर सेट कर सकते हैं, और उल्टा ऑर्डर माइनस में भी सेट कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।